मौजूदा तोसाम के अंदर तोसाम विधानसभा क्षेत्र भिवानी जिले का तोसाम विधानसभा क्षेत्र जहां से किरण चौधरी विधायक और यहां पर पिछले दो दिन से एक बहुत बड़ा मामला चल रहा है। दो दिन पहले एक 13-14 वर्ष के बच्चे को शहर से उठा लिया जाता है और यह भी नहीं कि कोई सुनसान जगह से उठाया जाता, शहर की एक जगह है वहां से, और अब तक उसका कोई अता पता नहीं है। तमाम जो व्यापारी हैं पूरे शहर के, दो दिन से शहर बंद है, दुकानें बंद है, शटर डाउन कर रखा है और लगातार जो इनका धरना चल रहा है। बच्चा स्कूल में गया था जी, कराटे सीखता है जी, वो कराटे का करके अपने वापस आ रहा था, वहाँ से रास्ते में से उठाया गया। कहाँ से? ये तो शाम शहर के बीच में से शाम की घटना है जी, 6 बजे की जी, और अफवाहें बहुत ज्यादा फैल रही है। प्रशासन से कोई उम्मीद हमारे को नहीं है, प्रशासन ने हमारे को किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया। 10-15 मिनट के अंदर अंदर पुलिस प्रशासन को, सारे SP DSP सबको इन्फॉर्म कर दिया कि अपने डिग्गी के सामने से एक 12 साल का वर्षीय बच्चा उठा लिया। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने कहीं भी नाकेबंदी नहीं की, जो कि बहुत ज़रूरी था। ये जो घटना है हमारे तोसाम के अंदर पहली घटना नहीं, दूसरी घटना है। 1.5 साल पहले भी तोसाम से ही एक बच्चा उठा लिया था और उसकी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे को शक लगता है कि जैसे कि प्रशासन के साथ इनकी मिली भक्ति हो। गवर्नमेंट किस लिए तनख्वाह लेते हो? हमारी सेवा के लिए, हमारी रक्षा के लिए। आज हमारा बच्चा उठाया है, कल हमारे औरतों को उठाएंगे, हमारे समाज के भाईचारे को उठाएंगे, कभी किसी से फिरौती मांगेंगे। ऐसे चलता रहा तो हमारा जीना दुभर हो जाएगा। 25 तारीख 7वां महीना 2022 की इस तारीख को जो इन्होंने रिपोर्ट दी थी, इनका बच्चा करीब 1.5 साल पहले उठा लिया गया था, लेकिन कहते हैं अब तक कोई आता पता नहीं, कोई जानकारी नहीं। ये लचर व्यवस्था, ये कानून व्यवस्था, वारे वाह पुलिस तेरे क्या कहने। उस माँ बाप का क्या हाल होगा? आज 48 घंटे होने को है, माँ बाप रो रो के बेहाल है, उनका तो हाल आपको पता ही क्या है। लेकिन हम कह रहे कि हमारे यहाँ एक क्षेत्र के सभी घरों के अंदर बिल्कुल यही रुदन है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर, मैं हूँ प्रिंस लंबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ। मौजूदा तोसाम के अंदर, तोसाम विधानसभा क्षेत्र भिवानी जिले का तोसाम विधानसभा क्षेत्र जहां से किरण चौधरी विधायक, और यहां पर पिछले दो दिन से एक बहुत बड़ा मामला चल रहा है। दो दिन पहले एक 13-14 वर्ष के बच्चे को शहर से उठा लिया जाता है और यह भी नहीं कि कोई सुनसान जगह से उठाया जाता, शहर की एक जगह है वहां से, और अब तक उसका कोई अता पता नहीं है। तमाम जो व्यापारी हैं पूरे शहर के, दो दिन से शहर बंद है, दुकानें बंद है, शटर डाउन कर रखा है और लगातार जो इनका धरना चल रहा है। साफ कहना है, पुलिस प्रशासन को जानकारी मिल चुकी है, पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर भी रहा है, लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं। कोई संतुष्टि पूर्वक कार्रवाई जो है प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से अब तक नहीं हुई है। आखिर पूरा मामला क्या है, कुछ अफवाह भी चल रही है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। क्या अफवाह चल रही है, क्या पूरा मामला है, विस्तार से चर्चा करते हैं। जी नाम क्या सबसे पहले? ज्योति कुमार, व्यापार मंडल महासचिव। व्यापार मंडल महासचिव, क्या मामला है, कब की घटना है, क्या घटना है पहले? ये परसों शाम की घटना है जी, 6 बजे की जी, और अफवाहें बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। प्रशासन से कोई उम्मीद हमारे को नहीं है, प्रशासन ने हमारे को किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया। हम तब खुश होंगे जब हमारा बच्चा हमारे हाथ में हमारे घर आ जाएगा। नहीं, उठा कैसे, वो पूरी जानकारी दे दीजिए एक बार, कैसे उठाया गया? बच्चा स्कूल में गया था जी, कराटे सीखता है जी, वो कराटे का करके अपने वापस आ रहा था, वहाँ से रास्ते में से उठाया गया। कहाँ से? ये तोसाम शहर के बीच में से। तोसाम शहर के बीच से? हाँ जी। उसकी जानकारी पुलिस तक कितनी देर में पहुंची? 15 मिनट के अंदर जानकारी पहुंच गई। उसके बाद क्या कार्रवाई हुई? आज 48 घंटे से ज्यादा समय हमारे को कोई कार्रवाई की सही सूचना नहीं दी गई। बताता हूं जी। जी बता दीजिए। ऐसा है सर, 10-15 मिनट के अंदर अंदर पुलिस प्रशासन को, सारे SP DSP सबको इन्फॉर्म कर दिया भी अपने डिग्गी के सामने से एक 12 साल का वर्षीय बच्चा उठा लिया। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने कहीं भी नाकेबंदी नहीं की, जो कि बहुत ज़रूरी था। क्यों? उसी टाइम पता लगने के बाद बदमाश इतनी दूर नहीं, वो ज़्यादा दूर भाग जाएगा जी। सारे प्रशासन को VT होली थी उसी टाइम से वो पता लग लिया था। उसके बावजूद भी पुलिस ने बस एक नाकापोची की, कोई कार्रवाई नहीं करी, कहीं रोड जाम करना, ब्लॉकेज करना, रोडों को चेक करना, गाड़ियों को चेक करना, कुछ भी ऐसा काम नहीं किया भाई, किसी गाड़ी चेक की हो, कहीं पर रोड ब्लॉकेज की हो। और ये जो घटना है हमारे तोसाम के अंदर पहली घटना नहीं, दूसरी घटना है। 1.5 साल पहले भी तोसाम से ही एक बच्चा उठा लिया था और उसकी आज तक
कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब कि हमारे को शक लगता है कि जैसे कि प्रशासन के साथ इनकी मिली भक्ति हो, क्यों तो शाम के अंदर करीबन 2 साल के अंदर कम से कम 50 तो चोरियां हो ली, आज तक एक चोरी बरामद नहीं की पुलिस वालों ने। इसका मतलब तो सिस्टम यही हुआ अभी के नाम प्रशासन की इनकी मिली भक्ति है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी बदमाश पहले किडनैपर नहीं बनता, पहले छोटी मोटी चोरी करता है, उसके बाद बड़ा बदमाश बनता है। शुरू में उसके ऊपर ठोस से ठोस कार्रवाई हो जाए तो बड़ा बदमाश बनने की उसकी ताकत नहीं है, मगर ये प्रशासन की कमजोरी है, नाकामी है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, आपको नौकरी करनी नहीं है तो घर पर चूड़ियाँ पहन के बैठ जाएं। आप किस लिए रख रखे हो, गवर्नमेंट किस लिए तनख्वाह लेते हो? हमारी सेवा के लिए, हमारी रक्षा के लिए। आज हमारा बच्चा उठाया है, कल हमारी औरतों को उठाएंगे, हमारे समाज के भाईचारे को उठाएंगे, कभी किसी से फिरौती मांगेंगे। ऐसे चलता रहा तो हमारा जीना दुभर हो जाएगा। और हम यही चाहते हैं, खट्टर साहब से भी अनुरोध करते हैं कि आप सख्त से सख्त, जैसे कि योगी नाथ जी करते हैं कार्रवाई, उस तरीके की कार्रवाई को जोड़ो ताकि पता लगे आप खट्टर साहब आप में भी दम है, कुछ ना कुछ करके दिखाओ, हमें विश्वास हो तो पता लगे कि हमारे हरियाणा सरकार के अंदर दम है, पता लगे हमें योगी की तरह नहीं, हमारी हरियाणा पुलिस में भी दम है। ऐसा कार्रवाई करके दिखाए जब हमें पता लगेगा। और सबसे बड़ी हमारी मांग है, हमारे जो 2 बच्चे उठाए गए हैं उन बच्चों को हमारे बीच में लाए, और यदि नहीं लाया तो ये जो आंदोलन है बहुत ही उग्र हो सकता है। इसकी जिम्मेवारी आपकी, 1.5 साल पहले जो बच्चा उठाया गया था उसके कुछ पता चलता पता है? उसकी माता जी हमारे पास ही खड़ी है, और आपके नाम में कोई कार्रवाई नहीं करी प्रशासन ने, सारे धक्के खाली बेचारियों ने सब जगह जा लिए, एसपी डीएसपी सारे ऑफिसों में, एसएचओ में, एफआईआर कटवाली, कोई कार्रवाई नहीं करी। किस लिए? ये गरीब है इसलिए कोई कार्रवाई जी। नाम क्या आपका? पिंकी नाम है जी। तो सब में ही रहते हैं? तो सब में रहते हैं। कितने दिन पहले की घटना है? 1.5 साल हो गया जी। एफआईआर 25 तारीख 7वां महीना 2022 की, इस तारीख को जो इन्होंने रिपोर्ट दी थी, इनका बच्चा करीब 1.5 साल पहले उठा लिया गया था, लेकिन कहते अब तक कोई अता पता नहीं, कोई जानकारी नहीं। अनिल भी कभी जाली जी, मैंने धक्के धक्के मिला, तेरी कार्रवाई हो रही है, तेरी कार्रवाई हो रही है, सब ये बोले हैं कि मैं नहीं कार्रवाई हुई है, बस आज तक कोई आता पता नहीं कोई कार्रवाई कौन हुई है कि नहीं है रही सारी जी। तो सबके पास जा चुके हैं, सबके पास। ये लचर व्यवस्था, ये कानून व्यवस्था, वारे वाह पुलिस तेरे क्या कहने। 1.5 साल पहले बच्चा गुम हो जाता है, उठा लिया जाता है, किडनैप हो जाता है, उसका कोई अता पता नहीं। 1.5 साल बाद आज एक बार फिर 2 दिन पहले ऐसी घटना हो जाती है, ऐसी वारदात कर देते हैं, उसका अब तक कोई अता पता नहीं है। कहते हैं ऊपर से अफवाह फैलाई जा रही, बच्चा मिल गया है, ये कमाल की बात, ये गजब की बात है जी। क्या कह रहे थे? ये 1.5 साल से ये रिपोर्टरी पूरी पूरा प्रशासन की, अब तक किमें कार्रवाई को नहीं है, 2 दिन पहले आज फिर बच्चा उठा लिया, ये कब तक उठाते रहेंगे ऐसे जी? ये तो पूरा गांव को उठा लेंगे ऐसे जी। कोई पता चला था? पता नहीं, कोई पता नहीं चला जी। ये एसपी डीएसपी डीआईजी अनिल बीज तक ये पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है, हमारे पास रिपोर्ट, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। दिन दहाड़े मवेशिया के साथ में उठा गया, मवेशिया चरा रहा था बच्चा, तो उसका तो पता भी लग सका था भाई, गाड़ी में भी डाले मवेशिया को, कैसे बच्चे को उठाया गया है, अगर प्रशासन सच्चा था तो। ऐसे तो है को नहीं, 2 मिनट में उसको उठाया गया है। ये भी तो शहर के बीच से उठा लिया आपका? ये भी शहर के बीच से उठा लिया, ये तो पुलिस को 3 ही मिनट में सूचना डाली थी जी, उसी टाइम वहाँ मौके पर लोग थे, उन्होंने देखा और उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया था इस बारे में, ऐसे ऐसे घटना घट गई जी। मात्र 3 मिनट में पुलिस के पास में सूचना जा चुकी थी इस बच्चे की, तो अगर जाती तो, और गाड़ी नंबर भी दे दिया था सर इसका, तो गाड़ी नंबर भी दे दिया था, और 3 ही मिनट में जाली सूचना, अगर पीसीआर वगैरह जो भी होती तो करती इसको। पूरे प्रदेश में जंगल राज मचाया हुआ है जी। पहले गोहाणा में मातुरा मलवाई से रंगदारी मांगी गई, उसके बाद सापलाएं मांगी गई, तो शाम से बच्चा अपहरण किया गया। लुटेरों चोरों के अपहरणकर्ताओं के हौसले बुलंद है, सरकार को सख्त से सख्त संज्ञान लेना चाहिए, व्यापारियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए जी। जी तो ये पूरे तोसाम के व्यापारी वर्ग के लोग हैं, और आसपास के जो गांव के लोग हैं वो भी धरने पर समर्थन देने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि सबको पता है आज एक के साथ ऐसी घटना हुई है, कल को दूसरे के साथ होगी, परसों किसी तीसरे के साथ भी यही होगा अगर हम समय रहते नहीं चेतते। जब तक कुछ अता पता नहीं चला, कुछ ऐसा सामने आया है कि भैया उनसे पैसे मांगे, कुछ ऐसी चीजें आई सामने? नहीं, ऐसी नहीं आई, कोई जानकारी नहीं, नहीं कोई जानकारी नहीं। हमने कल 11 बजे का प्रशासन को अल्टीमेट दिया हुआ था, 12 बज चुके हैं, अभी तक प्रशासन का कोई भी अधिकारी हमारे बीच नहीं आया, ना हमको कोई रिपोर्ट दी भाई क्या हुआ, क्या किया, क्या नहीं, इससे बुरा हाल और क्या होगा। अभी तक जब घर 11 बजे का ओपन में सीआई वाले सीआईडी वाले सारे हमारे बीच में खड़े हैं, सबको पता है, एक एक पल पल की रिपोर्ट जाने लग रही है, उस दौरान भी हमारे पास कोई अधिकारी अभी तक नहीं आया,
इससे डूब मरने की बात है प्रशासन के लिए। एक तरीके से मान के चले लोगों को उकसाने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल उकसाने का काम किया जा रहा है। कल को ये जो आंदोलन है कुछ भी रूप ले सकता है, इसके जिम्मेवार स्वयं सरकार और प्रशासन होगा। तो लगातार जो है तो साहब धरने पर मौजूद हैं तमाम व्यापारियों के द्वारा, तमाम जो है आसपास के गांव के लोग सभी समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं। और विशेष बात यह कि पिछले दो दिन से लगातार जो है शहर बंद है, आज 11 बजे तक का अल्टीमेटम था, लेकिन अब तक कहते हैं कोई पुलिस प्रशासन का अधिकारी, कोई कर्मचारी जो है बड़ा अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचा है बीच में। जी क्या कहेंगे, दो दिन से लगातार धरना चल रहा है, कब तक ये लग रहा है कुछ कार्रवाई बन पाएगी नहीं बन पाएगी, क्या रवैया लग रहा है पुलिस प्रशासन? जब तक हमारा बच्चा मिल नहीं जाता तब तक बंद है और इसमें बंद ही रहेगा। पिछले 1.5 साल पहले की घटना बता रहे हैं कि एक बच्चा उठा लिया गया, उसका कोई अता पता नहीं है। अब 2 दिन पहले भी वही सेम उसी वारदात होती है, उसका अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। तो कब तक जो है इस प्रकार भय के साए में रहेंगे, क्योंकि अब तो भय बढ़ने भी लगा लोगों का, बच्चों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। प्रशासन की नाकामी, ये प्रशासन की और या हमारे इनकी नाकामी का कारण बन रहा है। पुलिस प्रशासन इसमें नाकाम सिद्ध हो रहा है। जी क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? पुलिस प्रशासन नाकाम है। पहले 1.5 साल पहले भी जो बच्चा उठा था अब तक का सुराग नहीं लगा, पहले भी आंदोलन कर ले, और अब भी अब 11 बजे तक कार्य का टाइम था हमारा, अब तक उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं करी हमारी। तो कार्रवाई नहीं होगी, जब तक कार्रवाई नहीं होगी जब तक वो बच्चा नहीं मिलेगा, जब तक दुकान बाजार पूरा बाजार 36 बिरादरी का हमारा समर्थन है, आगे भी नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं 2 दिन से धरना चल रहा है, कुछ बड़ा भी हो सकता है अगर पुलिस प्रशासन समय रहते कार्रवाई नहीं करता है उचित। देखिए ये बार बार घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है हमारे तोसाम के अंदर। जैसे कि आपको मालूम है हमारे यहाँ से पहले भी एक बच्चा उठाया जा चुका है, उसको भी ढूलमुल रवैया करके केस को रफा दफा किया गया। आज तो पूरे तोसाम और आसपास के गांव की 36 बिरादरी के अंदर सभी के अंदर बड़ा रोष है इस बात को लेकर, और होना भी चाहिए। देखिए हमारा बच्चा सुरक्षित नहीं, हम घरों में सुरक्षित नहीं है, ग्रामीण परिवेश से ऐसी जगह से बच्चे को उठाया जाता है, स्कूल में जहां बच्चा पढ़ने के लिए गया है, कराटे क्लासेस के लिए गया है, अब हम सुरक्षित ही नहीं है, तो प्रशासन की नाकामयाबी है। मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, बच्चा जब उठाया जाता है तुरंत 5 मिनट के अंदर ही सारी की सारी कार्रवाई सारा सोशल मीडिया के माध्यम से घर वाले भी वहां पहुंच जाते हैं, पुलिस प्रशासन को भी पता चल जाता है, तो भी पुलिस प्रशासन इस कार्रवाई को अच्छे ढंग से लापरवाही की वजह से अंजाम नहीं दे पाई, हम यही कहेंगे। और आज भी हमने 11 बजे तक का समय दिया था, अभी तक कोई भी सूचना नहीं आई है हमारे पास, समय 12 बजने को है, 1 घंटा ऊपर हो चुका है, अभी तक नहीं आई है, तो इससे हमें रोष है। अगर पुलिस प्रशासन समय रहते हमारे बच्चे को सही सलामत हमें नहीं देती है तो पूरा का पूरा क्षेत्र इस आंदोलन को किसी भी तरीके से कहीं भी आगे ले जा सकता है, बड़ा रूप भी दिया जा सकता है। इसलिए समय रहते प्रशासन और सरकार ये कार्रवाई करें ताकि इस एरिया में जो घटनाएं इस तरह की घटी जा रही हैं उन पे रोक लग सके, हम सुरक्षित अपने बच्चों को समेत अपने घरों में सुरक्षित रह सके। यही हमारी सरकार और प्रशासन से बार बार मांग है कि समय रहते हमारी कार्रवाई की जाए, हमारे बच्चे को सही सलामत हमें सौंपा जाए। वो उस माँ बाप का क्या हाल होगा, आज 48 घंटे होने को है, माँ बाप रो रो के बेहाल है, उनका तो हाल आपको पता ही क्या है, लेकिन हम कह रहे कि हमारे यहाँ एक क्षेत्र के सभी घरों के अंदर बिल्कुल यही रुदन है, रोना है, हर माँ बाप परेशान है। इसलिए सरकार से हम बार बार और प्रशासन बार बार गुहार लगा रहे हैं कि समय रहते आप कार्रवाई करके हमें जल्दी से जल्दी बच्चे को सौंपा जाए। 2 दिन से लगातार धरने पे अब तक कहते कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं हो पाई है, नहीं हो तो कितना आप विश्वास मान रहे, कितना भरोसा मान रहे प्रशासन पे? तो अभी तक हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है प्रशासन की तरफ से, बिल्कुल बार बार हम कह रहे हैं जब 2 मिनट नाकामयाबी है जी, प्रशासन बिल्कुल नाकामयाब है और इस बात को लेकर पूरे क्षेत्र में रोष है, बहुत ज़्यादा रोष है, बहुत ज़्यादा दुख है, बिल्कुल सरकार और इसमें प्रशासन फेलियर है। तो अभी व्यापारी मंडल के प्रधान जो है जोगेंद्र मलिक हमारे साथ खास बातचीत, धरने पर पहुंचे हैं और इन्होंने भी जो है 1 घंटे का समय अभी प्रशासन को दिया कि प्रशासन जो है आला अधिकारी वो पहुंचे और जो है पूरे मामले की जानकारी दे, अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई उसके बारे में विस्तार से जानकारी दे और कब तक जो है बच्चे की बरामदगी हो जाएगी उसके बारे में भी जानकारी दे। प्रधान जी क्या कहेंगे, 2 दिन से लगातार धरना चल रहा है, शटर डाउन है पूरे शहर के, और कहते हैं जब तक बच्चा नहीं मिलेगा तब तक शटर डाउन रहेंगे, हर व्यक्ति को नुकसान हो रहा है, कहीं ना कहीं लोग भी परेशान हो रहे हैं, मार्केट बंद है, क्या कहेंगे? देखिए ये प्रशासन का फेलियर है,
कि हमारा बच्चा लगभग 42 घंटे के तकरीबन हो गया है, अब तक वो मिला नहीं है। और भिवानी हमने कहा आज 11 बजे तक अल्टीमेटम दिया था कि हमारे बच्चे को लेकर के आए, लेकिन अब तक प्रशासन बोलता है कि हम लगे हुए हैं, लेकिन हम प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। और जब तक हमारा बच्चा नहीं मिलता, पूर्ण रूप से बाजार बंद रहेगा। उसके अलावा यदि अन्य कदम हमने थाने का घेराव करना पड़े या फिर रोड जाम करना पड़े या रोष प्रदर्शन स्वरूप पूरे इलाके में धरना प्रदर्शन करना पड़े, तो हम उसके लिए भी लगे हुए हैं लगातार। और प्रशासन को एक घंटे का टाइम दिया है कि भी वो आकर के अपनी बात रखे कि भी वो अभी तक कहाँ तक पहुँचे हैं, ताकि हमारा जो व्यापारी वर्ग है और व्यापार मंडल है, ताकि उनकी बात सुने और उसके बाद आगे निर्णय ले इसके। जी, पहले भी कहते चोरियां हुई, कोई बरामद नहीं हुई एक भी चोरी, 50-60 चोरियां हो चुकी हैं। उसके बाद 1.5 साल पहले भी एक बच्चा उठाया गया, वो भी अब तक कुछ अता पता नहीं उसका। 1.5 साल से लगातार जो कहते हैं कि कार्रवाई चल ही रही है, अब एक बार फिर वैसी घटना हो जाती है, कब तक ये चलता रहेगा? तमाम जो व्यापारी, पूरा जो तोसाम शहर भय के माहौल में है, भय के साए में है कि कब किसके साथ क्या घटना हो जाए, कुछ अता पता नहीं है। देखिए, जो चोरियाँ हुई थी उसके लिए भी हमने प्रशासन से बात की थी, लेकिन प्रशासन ने जब ये बात तो मैंने बोल ही दी कि प्रशासन का फेलियर है, और उसके लिए भी हमारी बात जब होती है तो बोल देते हैं कि 2 दिन में होगा, 3 दिन में होगा। व्यापारी वर्ग एक बड़ा ठंडा वर्ग होता है, वो सोचता है कि 5-4 हज़ार रुपये का हो गया, चलो भुगत लेते हैं। लेकिन इस बार ये ऐसी बात नहीं है कि भी एक माँ का, अपने परिवार का एक जब बच्चा कोई उठा लेता है तो उस पर ऊपर क्या बीतती है, पूरा परिवार रो रो के बिलख बिलख के अधमरा हो जाता है। और आज उसी एवज में हमारा पूरा संगठन तोसाम व्यापार मंडल आज यहाँ मैन चौक में बैठा है, कल भी बैठे थे, पूरा बाजार बंद है। और हमारी भिवानी भी बात हुई है भानु प्रकाश जी से, जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, कि भी उन्होंने भी आज मीटिंग बुलाई है, और वो भी आज मीटिंग लेकर के आगामी फैसले, जब तक यहाँ से पता लगता है उसके बाद वो भी अपना फैसला लेंगे। तो यदि पूरे भिवानी जिले को बंद करने की बात आएगी, हमारे बजरंगदास गर्ग से भी कल यहाँ आए थे, उनसे भी बात हुई थी कि भी यदि भिवानी और पूरा प्रदेश बंद करने की बात होगी तो पूरा प्रदेश भी बंद करने के लिए अध्यक्ष जी भी तैयार थे, और हमारे भिवानी के वो भी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। यानी कि एक तरीके से माना जाए तो जो व्यापारियों की एकता है, जो समाज की एकता, उसके आगे कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी टिकने वाली नहीं है। नहीं, बिल्कुल ये बात है कि पुलिस की नाकामी टिकने वाली, पुलिस को हमारा बच्चा ला कर देना पड़ेगा, चाहे जमीन खोद के लाओ या आसमान पाट के लाओ। उसके अलावा जो एक अन्य बच्चे की बात है, वो मेरे संज्ञान में अभी 2 दिन से ही आया है, उससे पहले हमें कोई भेंट भाट वगैरह का कुछ ऐसा मैटर था, तो अभी उसका पता चला है, कल पता चला था। तो उसके लिए भी हम प्रशासन से पुरजोर डिमांड करेंगे कि भी हमारे बच्चे को भी, उसकी माँ का क्या हाल है जो 1.5 साल से बैठी हुई है, उसके लिए भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि भी हमारा बच्चा मिले और उसकी माँ को संतुष्टि मिले और आराम से बच्चा अपने घर पर परिवार में खेले। प्रधान जी क्या कहेंगे, लगातार ऐसी घटनाएं, वारदातें हो रही हैं लगातार, इसके बीच पुलिस प्रशासन की कार्रवाई वो शून्य है, बिल्कुल जीरो मान के चले। तमाम लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें तो ये लगता है कि पुलिस प्रशासन की मिली भगत हो सकती है ऐसी चीज़ों में। लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, बरामदगी नहीं होती है, कोई समाधान नहीं होता, कार्रवाई नहीं होती है, तो ऐसे में कितना भरोसा मान के चले पुलिस प्रशासन के ऊपर? देखिए, जो पुलिस प्रशासन है ये तो आप जानते ही हैं, जब तक पुलिस प्रशासन की मिली भगत ना हो तब तक एक मंदिर के सामने से एक चप्पल चोरी भी नहीं हो सकती। इसमें तो कोई दोराय नहीं है कि पुलिस प्रशासन की कहीं ना कहीं मिली भगत है, और इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई चाहे हमारा तोसाम का स्टाफ हो प्रशासन का या भिवानी एसपी की बात हो, कि भाई ये अपनी तत्परता से कार्य नहीं करते, इसलिए ये आज इतनी बड़ी परेशानी हमारे सामने खड़ी हुई है। पूरे व्यापारी वर्ग में भय का माहौल है, यहाँ तोसाम में नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर भय का माहौल है जी। तो जब तक बच्चे की बरामदगी नहीं होती है तो तब तक जो है धरना चलता रहेगा, और इससे भी जो कड़ा कदम उठाया जा सकता है, बड़ा धरना किया जा सकता है, सड़क जाम भी की जा सकती है। बिल्कुल, बड़ा धरना किया जा सकता है, सड़क जाम भी की सकते हैं, पूरे इलाके के अंदर अनाउंसमेंट करके पूरे जो गांव के सरपंच हैं, बड़े मौजूद आदमी हैं, उसके अलावा अन्य कोई संगठन जो जुड़े हुए हैं, खाप पंचायतें हैं, ये खाप पंचायतों के द्वारा भी सभी को इकट्ठा किया जाएगा और पूरे तोसाम में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा यदि हमारे बच्चे की बरामदगी नहीं होती है तो। प्रधान जी धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये तमाम लोगों से बातचीत करवाए, व्यापार मंडल के प्रधान जोगेंद्र मलिक भी खास बातचीत में थे, उनसे बातचीत की, हर पूरी जो मामले को लेकर साफ कहना, जब तक पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा, बच्चे की बरामदगी नहीं करेगा, तब तक जो है बाजार बंद रहेगा, जिले स्तर पर भी जो है आंदोलन हो सकता है, हरियाणा स्तर पर भी आंदोलन हो सकता है, पूरे हरियाणा की जो है व्यापारी भी शटर डाउन कर सकते हैं, अगर समय रहते पुलिस प्रशासन उचित कार्रवाई नहीं करता है। जो इनकी मांग है बच्चे की बरामदगी और आगे इस प्रकार की घटनाएं ना हो,
पुलिस प्रशासन सचेत रहे, जागरूक रहे, उसके लिए जो इनकी मांगे उनको मांगा जाए, अन्यथा जो इसका खामियाजा प्रशासन को और सरकार को भुगतना पड़ सकता है। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।